पंचायत सदस्य जुल्फकार हुसैन वांछी चल रहे आरोपी पर जिलाधिकारी के निर्देश द्वारा पुलिस बल के साथ कुर्की नोटिस बोर्ड लगाए गए। अपराधी के मरने के बाद 6,08,20,000 की चल अचल संपत्ति की कुर्की। डीएम के आदेश पर एसपी शगुन गौतम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे गांव। अवैध खनन समेत कई मुकदमों में मृतक का संदिग्ध। डीएम की अदालत से हुए आदेश का पालन कराने पहुंचे एसपी। थाना टांडा के दड़ियाल मुस्तकिम का मामला, जिलाधिकारी के निर्देश पर गुंडाएक व अन्य मामलों में वांछित चल रहे लगभग आधा दर्जन लोगों पर पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्यवाही करते हुए मकान स्टोन क्रेशर व जमीन पर आज पुलिस बल के साथ कुर्की की कार्यवाही की गई। कुर्की की कार्यवाही से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से गुलाम हुसैन और पुनन्ने पहलवान, जिसकी पूर्व में मौत हो चुकी है, व उनके वारिसान जिला पंचायत सदस्य जुल्फकार हुसैन, पुत्र गुलाम हुसैन, इस्तकार हुसैन, इकरार हुसैन, सालिम हुसैन पर पुलिस ने गैंगस्टर लगाई थी। इन पर दर्जनों से ज्यादा मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं, जिसमें ये लोग सारे वांछित चल रहे थे। पुलिस के अथक प्रयासों के बाद भी ये लोग पुलिस से आत्मचोरी खेलते चले आ रहे थे। आज जिलाधिकारी रामपुर के निर्देश पर पुलिस ने इन सबके घरों पर व हुसैन स्टोन क्रेशर पर कुर्की की कार्यवाही की। दर्जनों की तादाद में पुलिस बल देख लोगों के होश उड़ गए। पुलिस बल ने हुसैन स्वामियों स्टोन क्रेशर मालिकों से स्पष्ट रूप से कहा कि अपना आवश्यक घरेलू सामान उठा लें। अगर 12 घंटे के अंदर अंदर सामान नहीं उठाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल आनन फानन पर सभी भवन स्वामियों हुसैन स्टोन क्रेशर से सामान उठा लिया गया। पुलिस प्रशासन ने अपने सरकारी ताले डाल दिए। इस कार्यवाही से लोगों में भय व्याप्त है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के थाना टांडा गुलाम हुसैन और नंधे पहलवान नाम के एक गैंगस्टर के खिलाफ 2017 में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना से इसमें आरोप पत्र प्रेषित किए गए और विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि इस गैंगस्टर द्वारा अपराध से अर्जित जो संपत्ति है उससे बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। जिस आधार पर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसकी संपत्ति कुर्क किए जाने की रिपोर्ट जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रेषित हुई, जो वाद संख्या 1675 वर्ष 2018 के रूप में दर्ज हुई। लगातार उस पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान ही गुलाम हुसैन की मृत्यु हो गई और ये संपत्ति उसकी पत्नी और उसके पुत्रों के नाम। इस वाद में भी जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चल रहा था उसके वारिसान पार्टी बने और फाइनली दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिलाधिकारी रामपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसमें गुलाम हुसैन की अपराध से अर्जित 6,80,20,000 की संपत्ति करने का आदेश पारित किया गया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस संपत्ति में कई भूखंड हैं, मकान हैं, स्टोन क्रेशर है, स्टोन क्रेशर के और भी असेट्स हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं तथा कुछ वाहन हैं, जिनकी सबकी अलग अलग कीमतें जब एक साथ जोड़ी जा रही हैं तो ये 6,80,20,000 रुपए की संपत्ति है, जिसे जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया गया।